राजेश पालवी। राजेश, क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं आपको बहुत देर में इस कार्यक्रम में शामिल कर पा रहा हूं क्योंकि यहां पर चुनाव से संबंधित खबर लेनी थी आज। आपकी राय पहले निफ्टी निफ्टी बैंक पर संक्षेप में बताइएगा, है क्या इस वक्त इंटरनल रेट्स पे करें क्या? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वीरेन जी, निफ्टी में जिस तरीके का हमने बिहेवियर देखा है आज वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा म्यूटेड बिहेवियर है, बट मुझे लगता है कि निफ्टी में जो ये डिप आई है इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए, और जो इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो पिछले स्विंग के जो लो बने थे 11,540 के आसपास, वो स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है कि यहां से वापस एक अपमूव देखने को मिलेगा। हो सकता है सेकंड हाफ में हमें वापस एक तेजी देखने को मिले और आज एक्सपायरी कहीं 11,620 से 630 की रेंज में कहीं हो और फिर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे 11,680। तो मुझे लगता है 11,680 के टारगेट के लिए बिल्कुल निफ्टी बाय करना चाहिए और 11,540 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट और अहम सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि 29,700 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल पे बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहां से 29,550 जो कि हम देखें अगर मंथली डेटा देखें तो 29,500 पे पुट कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट है और वो एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा अब अगली वीकली सीरीज में एज वेल एज मंथली सीरीज की बात करें तो 29,550 मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहां से रखना चाहिए और मुझे लगता है वापस जो कि हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन है 30,100 की तरफ वहां से 30,100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। राजेश, आपके इंडिविजुअल ट्रेड्स स्टॉक फ्यूचर्स जहां पर आप इस वक्त बाय या फिर सेल कॉल रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए वीरेन जी, एक पहला स्टॉक है मन्नापुरम, हालांकि स्टॉक अभी पिछले कुछ मिनटों में 2-3 रुपए का मूव देखने को मिला हायर साइड में, तो मुझे लगता है कि 134 के टारगेट के लिए मन्नापुरम बाय करना चाहिए। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखें तो 18% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और स्टॉक का स्ट्रक्चर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है ये स्टॉक 134 तक जाएगा, तो 123 के स्टॉप लॉस से मन्नापुरम बाय करना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है वो ऑटोमोबाइल पैक्स है, बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो में देखें तो पिछले कुछ दिनों में बेस फॉर्मेशन हुआ स्टॉक का और डे ऑन डे बेसिस पे पिछले 3 दिनों का डेटा देखें तो लॉन्ग एडिशन देखने को मिला स्टॉक में, आज भी 3% का ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड का एडिशन देखने को मिला। मुझे लगता है ये स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहना चाहिए, 3050 तक के टारगेट बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं, 2925 के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो फ्यूचर बाय किया जा सकता है। तीसरा स्टॉक है वो पीवीआर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, अगर उसमें देखें तो आज के सेशन में 15% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला, तो पीवीआर फ्यूचर बाय करना चाहिए। मुझे लगता है पीवीआर फ्यूचर में 1760 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो 1680 के स्टॉप लॉस से पीवीआर फ्यूचर बाय किया जा सकता है। ये 3 स्टॉक लॉन्ग साइड के, और शॉर्ट साइड में जो मुझे लग रहा है वो अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल में देखें तो पिछले 4-5 दिन से अगर हम देखें उसका डेटा तो इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन के आ रहा है और अगर हम देखें तो स्टॉक का लोअर हाई फॉर्मेशन बन रहे हैं और कंटिन्यूस अगर देखें तो स्टॉक ने ऊपर में 1260-70 की रेंज में हमने सप्लाई देखा, तो मुझे लगता है स्टॉक में अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक डाउनवर्ड एक्सपेक्टेड है जो कि स्टॉक को 1210-1200 की तरफ लेके जाएगा, तो अपोलो हॉस्पिटल का फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है 1265 के स्टॉप लॉस से। चलिए, तो एकमात्र अगर आप देखें अपोलो हॉस्पिटल का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप शॉर्ट कर सकते हैं मौजूदा परिस्थिति में, बाकी अगर आप देखें 3 बाय कॉल्स थी राजेश की, निफ्टी बाय कॉल है, निफ्टी बैंक बाय कॉल है, मन्नापुरम फाइनेंस, बजाज ऑटो, पीवीआर एक बहुत डिसेंट स्ट्रक्चर, लेकिन इस बीच मेरे जहन में ट्रेड आ रहा है मेरी स्क्रीन पर, आप देखें आज ऑप्शन का डेटा हम नहीं ले पाएंगे, प्लीज क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ी सी समय की कमी है, लेकिन इंडिगो 1418 फ्यूचर्स डे हाई पर, आपकी राय इस वक्त इस पर राजेश? आई थिंक इसने मॉर्निंग हाईस को क्रॉस किया है, मॉर्निंग हाईस काफी इंपॉर्टेंट थे इसके लिए, 1418 पे जरा प्लीज इसका फ्यूचर लिख आइए एग्जैक्टली, और एक बार जरा इसकी फ्यूचर की प्लेट भी लिख आइए एग्जैक्टली करके आ रहा है स्टॉक के फ्यूचर्स में या फिर डेरिवेटिव्स में। जी हाँ, ये दिन के सर्वोच्च स्तर पे है और ओआई में लगभग आज 1.3 में लेक्चर्स हैं, लगभग ये चेंज हुआ है आज का, तो अच्छा है, आई मीन बिहेवियर इसका ऑप्शंस वाइज अच्छा है, फ्यूचर्स वाइज अच्छा है। चार्टी के लिए आपके टारगेट्स कुछ होंगे इस पर? आई मीन अच्छा लग रहा है डेली चार्ट्स पे इस बार और इंटरडे चार्ट्स पे स्पेशली, पॉसिबल है यहां से 22-23 रुपए का स्विंग और टुवर्ड्स 1440-1435 रेश? जी बिल्कुल, 6% का लॉन्ग साइड का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला, मुझे लगता है स्टॉक में कंसोलिडेशन हो चुका है और अब मुझे लगता है 1450 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए, 1403 के स्टॉप लॉस से बाय करना बनता है बिल्कुल इंडिगो।
ओके बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर अपनी राय रखी आपने। आज दर्शकों से माफी चाहेंगे, आज ऑप्शन ट्रेड नहीं ले पाए और समय की कमी थी थोड़ी सी, कल से बदस्तू वो सेगमेंट फिर शामिल करेंगे। ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए म्यूचुअल फंड्स पे हमारी खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। एमएफ में बाहर शेयर है तैयार आशीष वर्मा के साथ ये खास पेशकश। थोड़ी सी ब्रेक के बाद नमस्कार।